पागल है यार। और ये कवर कैसा लग रहा है आपके भाई का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बातचीत आ रही है कि नहीं आ रही इस कवर से। तो हम आ चुके अपनी लोकेशन पे अंडे की ट्रे लेने। भाई भी फिल्म ले रहा है यार, देख लो YouTube फैमिली, भाई डिस्काउंट नहीं दे रहा यार, देख लो। सो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज सनी, वेलकम बैक माय YouTube चैनल। सो गाइस, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं नहा के हटा था, तो मैंने अपने ब्लॉग का तो एंड कर दिया है, तो उसका अगला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब। तो अभी तो मैं जा रहा था अपने हेयर में सीरम लगाने। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं स्ट्रिक्स का यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। तो आप कभी भी इसे यूज़ करते हो तो हमेशा हेयर मतलब हल्के जब गीले होते हैं ना आपके, जैसे कि आप हेड वॉश करके आए हो, जब टावल से आप पूरे बाल तो सूखेंगे हैं, तो हल्के फुल्के तो गीले रहते हैं, तो उसके ऊपर से आप लगा लेना। मैं भी मतलब ऐसे ही लगाता हूँ, कभी भी आप अपनी जड़ में मत लगाना, उसके ऊपर से लगा देना। इस स्कैल्प में कभी भी ये मतलब टच नहीं होना चाहिए इसका, मतलब जो सीरम होता है कि इसमें भी केमिकल होता है, तो इसके फायदे भी है थोड़े बहुत, घाटे भी है। तो इसे अब लगा लेते हैं फटाफट से। मैंने अपने हेयर में तो लगा लिया, अब मैं इसे 5 से 10 मिनट छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद मैं हेयर वैक्स लगाऊंगा, फिर उसके बाद रेडी तो हो ही गया हूँ मैं, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे वीडियो बनाने, तो जब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो मैं आज दूसरा कवर लगाने जा रहा हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए वाइट वाले लगाते हुए, तो ये भी मतलब लगा के वीडियो बना लेंगे। नए की बातचीत भी अच्छी लगती है, तो इसको चेंज कर लेंगे, वाइट काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, लाइट कलर जो होता है ना काफ़ी जल्दी मतलब बेस्ट लग जाते हैं, फिर उन्हें साफ़ करो, साफ भी इतनी जल्दी नहीं होते, इनकी ट्रिक होती है क्या 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 होता है देखना थोड़ा, और भी मतलब चीज़ होती है, नींबू हो गया, फिर कवर को उसमें मतलब ब्रश से धोना होता है, ये सब जल्दी बातें होती है कवर, और वो लाइट कलर के जो कवर होते हैं धोने में। तो ये वाला कवर लगा लेता हूँ, इसमें मस्त लगेगा मतलब, अभी तो बाल भी से ऐड करने हैं, थोड़ा टाइम तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 5 मिनट तो लगभग 5 मिनट तो हो ही गए मेरे, और 5 मिनट तो और, तो अभी टाइम भी कितना हो रहा है, 5 बज चुके हैं। वो देखो वो बैठी बिल्ली, और इधर मैं गेट खटखटा रहा हूँ, और वो भी आ गया ऊपर चढ़ने के लिए। आ जा, चमक रही है फ्लैश लाइट की वजह से, पागल है यार। वीडियो में आती है एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो आ चुके हम ऊपर, तो अपना सेटअप भी लग ही चुका है, तो अब कर लेते वीडियो स्टार्ट रोज की तरह। और ये कवर कैसा लग रहा है आपके भाई का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बातचीत आ रही है कि नहीं आ रही इस कवर से। यार बैकग्राउंड भी बड़ी जल्दी चेंज कराना पड़ेगा, ऐसे बैकग्राउंड में बातचीत नहीं आती उतनी वीडियो बनाने में, रील्स की बैकग्राउंड अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्री टाइम भी नहीं मिलता ना, अब जाऊँगा मैं फटाफट जल्दी से जल्दी कदर मार के वहाँ से लेके आऊँगा बैकग्राउंड सही अच्छे अच्छे से। तो फाइनली अपना शूट हो चुका है डन, दरवाजा काफी ज्यादा तेज मैंने बंद कर दिया, आवाज ज्यादा आती है, तो अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा लग रहा है दूर से हो जाना। कल मैं आया था कितनी देर सोया था, कम से कम 3 घंटे सो रहा हूँ बस, मैं सोया था कल दोपहर में 1:30 बजे, और उसके बाद उठ गया था मैं 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास उठा था, मान लो 3-3.5 घंटे बस, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन क्या करूँ, वीडियो बनाऊंगा नहीं तो अपनी क्लास हो जाएगी ना, एक दिन मैंने मिस कर दिया तो आप समझ ही सकते हो कितना मतलब हिसाब बिगड़ जाता है। रेगुलर जो एक्टिव रहते हैं उनका हिसाब अलग होता है, जो मतलब वीक में एक बार बनाते हैं 2 दिन में उनका हिसाब अलग रहता है, रेगुलर वाले मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, डेली मतलब एक ही मतलब अगले दिन तैयारी करो, रोज ये होता रहता है, एडिटिंग करो, सो जाओ, काम पे जाओ, पर यही रहती है अपनी लाइफ जो भी। तो अभी मैं फ़ोन चार्ज में लगा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे, जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तो चलते हैं अपने लिए कुछ लेने। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेड वगैरह खा लेता हूँ, ऑमलेट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर ऐसे ही टाइम करते करते कम से कम 30-40 मिनट तो ऐसे बनाने में लग जाते हैं, आते और बनाने में, अभी ब्रेड लेने चलते हैं फटाफट से। खटपटी अपनी पूरी रात ऐसी खड़ी रहती है, पूरी रात मान लो वही 4 बजे जब आता हूँ जोर से, अब एक टेक में स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि बारिश की वजह से दिक्कत आ रही थी। अपना ब्रेकफास्ट का तो सामान हो गया, तो अब घर पे निकलता है फटाफट से। तो मैं आ गया हूँ घर पे अपने, तो फटाफट से खा लेते हैं। तो अब अपना ब्रेकफास्ट निकाल चुका हूँ मैं अपनी प्लेट में, तो अब फटाफट से फिनिश कर लेते हैं।
ये चटनी के साथ खाएंगे, ये काफी अच्छी बनाते हैं हमारे यहाँ पर जो ब्रेड वाले ना, एकदम एक नंबर की बनती है, खाने में मजा आ जाता है। लेकिन ज्यादा भी मत खाओ, मैं तो अभी 2 दिन से खा रहा हूँ, बहुत कम ही खाता हूँ क्योंकि ज्यादातर मतलब ऑमलेट बनाने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है ना, जब भी मतलब टाइम को बचाने के लिए, समझ सकते हो आप। तो ब्रेकफास्ट हो चुका अपना कम्प्लीट, तो अभी तो मैं जा रहा था प्रदीप के पास क्योंकि मैं अपने यहाँ से silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. ये अपनी लोकेशन पे अंडे की ट्रे लेने, कितने भाई 130 महंगा हो गया है, वापसी 15 रुपये महंगा हो गया। प्रदीप दो ट्रे दे दो, दो ट्रे में है कि नहीं है डिस्काउंट, दो ट्रे में डिस्काउंट नहीं है ताजी। देख रहा ना प्रदीप, आई भी फिल्म ले रहा है यार, देख रहे हो यूट्यूब फैमिली भाई, डिस्काउंट नहीं दे रहे यार, देख लो। चलो कोई नहीं, देख ले प्रदीप कौन सी पसंद आ रही है, ध्यान से देख ले, अंडे अंडे देख ले, तेरे साथ वही वाला सीन करना पड़ेगा होली वाला। तो हमने फाइनली अंडे ले लिए, प्रदीप भाई ने पकड़ रखा है, चाबी तो हाथ में है यार, तू भी कूड़े का पहाड़ खुदाई हो रही है भाई फुल। तो अब निकलते हैं फटाफट अपने घर पे। तो मैं आ चुका अपने घर पे, मैंने अंडे ऊपर रख दिए थे, तो अभी थोड़ी एडिटिंग रह रही थी वीडियो, तो एडिट कर लेते हैं, फिर सोना भी है, काफी देर हो चुकी है जगे हुए, अभी 10 बजने वाले लगभग। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, काफी ज्यादा नींद आ रही है मेरे को, काफी देर से मतलब सोया नहीं था। एडिटिंग अब जाके हुई है कम्प्लीट, मुझे लग रहा था थोड़ी सी है, काफी लंबी क्लिप हो थी, मतलब मेरे को भी अंदाजा नहीं था, डेढ़ को मतलब उस टाइम भी 1.5 घंटे लग गया, उसके बाद भी 2 घंटे तो आराम से लग गए। तो ये टाइम देखिए 12:30 बज चुके हैं, अब जाके मैं सोऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थकावट से लग रही है, अब सो जाता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगा तो फिर जॉब की छुट्टी हो जाएगी। GoPro की भी ऐसी सिर्फ लानी है, अभी हेलमेट भी लाना है, फिर तो उसका माउथ होता है कैमरे वाला, और भी मतलब अडेप्टर है, फिर उसके बाद मोटो ब्लॉग बनेंगे एक से, और हाँ ये मैंने तेल लगा रखा है, तो ये विटामिन ई लगाया था, तो आपको अजीब सा लग रहा होगा मेरा फेस, काफ़ी दिनों से मैंने ऑयल हेड मसाज नहीं करा था क्योंकि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर 3-4 दिन में करना होता है, लेकिन मेरे को कम से कम 1 हफ्ता या 6 दिन हो गए थे, मैं लेट हो गया था, काफ़ी ध्यान नहीं था ना मतलब आगे मतलब एडिटिंग करने में, इसलिए टाइम का मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मैं, तो फिर एकदम से याद आया मेरे को, हाँ तो सो ही जाता हूँ, ज़्यादा बातें बहुत हो गई है। द नेक्स्ट डे सो आपका भाई आज का जॉब से, तो अभी बज रहे सुबह के 5:30, आज आपका भाई काफ़ी ज़्यादा लेट आया, क्योंकि मैं इसलिए लेट आया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। तो करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड, आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड लाइक कमेंट से जरूर करना, बाय बाय डायल फैम सी यू। अब ये क्या बना रखा भाई, बंदा गिरेगा ना दिखेगा भी नहीं, उसमें गायब हो जाएगा बंदा, नीचे ही खाई में जाएगा, खाई में।